दोस्तों तो यार कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया गेम प्ले लेकर के। तो यार इस गेम का नाम है इको रिसाइकल। और आए मुन्ना, तो इसमें करना क्या होता है? भैया इसमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे देखो मैं लगाऊंगा यार डस्टबिन, और डस्टबिन को लगाने के बाद यहाँ जो भी लोग अपना कचरा फेंकेंगे तो यार कुछ तो मुन्ना उस कचरे को खा जाना है क्या? नहीं भैया, तो यार उस कचरे को जो भी लोग लेके आएंगे उसका हम यूज करेंगे और इस मशीन में डालेंगे ताकि हम उसका कुछ सामान बना पाए और बेच पाए। और आए मुन्ना, तो तू क्या बनाने वाला है? भैया मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं टी शर्टों का बिजनेस करूँ, क्योंकि बॉब तो नंगा पुंगा रहता है, तो बॉब को एक टी शर्ट दे दूंगा, बेचारा गरीब है। अबे बिल्ली, तू कौन से कपड़े पहन के रहता है? बॉब मैं तो कपड़े पहन के रहता हूँ, देखो मैंने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। और आए मुन्ना, ये दूसरी मशीन किस लिए है? भैया वो देखो जितने भी वो प्लास्टिक लोग लेके आएंगे, देखो ये देखो कचरा लेके आ रहे हैं, उसको हम उस मशीन में डालेंगे तो वो यार उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एक दूसरे आइटम में, और फिर जो दूसरा आ गया है प्रोडक्ट इसको हम डालेंगे इस वाले मशीन में, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा टी शर्ट। ओए मुन्ना, तो ये क्या प्लास्टिकों की टी शर्ट है? भैया नहीं, ये थोड़ी बहुत प्लास्टिक की कह सकते हो आप, जैसे पॉलिस्टर होता है, पर ये मेन पूरा प्लास्टिक नहीं है। ओए मुन्ना, तो फिर इन टी शर्टों का करना क्या है? टी शर्ट तो निकल गई, अब तू क्या कौन बेचेगा इसे? इसे क्या बॉब बेचेगा 2.5 किलो का हाथ लेके? नहीं भैया, देखो सामने देखो गाड़ियां आ गई है, और ये गाड़ियां हमें देंगी बहुत सारा पैसा, और ये गाड़ियां हमें देंगी बहुत सारा पैसा, और उसके बाद उस पैसों का हम यूटिलाइज करेंगे और बहुत सारा अपना पैसा कमा करके धंधा आगे बढ़ाएंगे। ओए मुन्ना, मुझे समझ में आ गई ये सारी बातें। भैया चलो, आपको कम से कम समझ तो आया, मुझे लगा आपका कचरा बुद्धि है तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे बॉब अंगू है। मैं निकला अपनी गड्डी लेके, पैसा तो सारा मैं ही लाऊंगा, सारा खा जाऊंगा मैं। बॉब तुम कहां से पैसा लेके आओगे? तो बॉब यार तुम एक काम करो, मैं तुम्हें काम देता हूँ कि तुम यार गाड़ी लेकर के आओ और शर्टों को लेके जाओ, तो तुम ये काम कर दोगे ना? हाँ मैं कर दूंगा बिल्ले। ओए मुन्ना, मेरे को भी तो कोई काम बता। भैया आप मेरे मैनेजर हो, जितना पैसा आएगा आप उसे रखोगे? मुन्ना तो ठीक है। ओए मुन्ना, तो मैं उसे ऊपर दिखा दूंगा कि कितने रुपए आए तेरे, देख मैंने तेरे 30 रुपए आ गए, हैंड टू हैंड मैं तेरी एंट्री करता जाऊंगा। हाँ भैया ये भी सही है। तो दोस्तों यार देखो यार इस देखो इन सभी कपड़ों को, मैं टी शर्टों को ले जा रहा हूँ और मैं इनको बेचूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो यहाँ पे 5 टी शर्टें देनी है, तो मैंने 5 टी शर्ट दे दी, यहाँ पे 17 देनी है, तो देखो 10 रह गई हैं। तो यार देखो ये जो भी कचरे का लोग डब्बा लेके आ रहे हैं उसमें जो कचरा फेंक रहा है, चलो मैं यार एक और डस्टबिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजनेस बड़ा हो रहा है। और आए मुन्ना, देख यार तेरा तो बिजनेस बड़ा हो रहा है, खूब सारे पैसे कमा रहा है, और सामने वाला गेट कौन सा है? भैया वो 300 लेवल का गेट है, वहां पे जब हम जाएंगे, जब हमारे पास 300 रुपीज हो जाएंगे। ओए मुन्ना, तो बहुत सही बात है यार, तू तो बहुत पैसा कमा रहा है। भैया पैसा कमा रहा हूँ, आप लोगों को भी दूंगा। ओए मुन्ना, लेकिन इस गाड़ी को तो भेज। अबे बिल्ले, मेरे को भी एक और टी शर्ट दे दियो बे। दे दूंगा बॉब, पहले तुम अपनी गाड़ी तो लेके आओ और उसमें पैसे भी लेके आओ। ओए मुन्ना रुक तो जा, पहले तू टी शर्ट को लेके जा उसके पास, तभी तो तू गाड़ी देगा जो 10 टी शर्टें रह गई हैं। भैया मैं अभी दूंगा, आप दिक्कत ना लो। देखो मैं अभी टी शर्टों को लेता हूँ, ये देखो मैंने टी शर्टों को इकट्ठा कर लिया, और अब जा करके उन्हें वैन में डाल दूंगा ताकि मुझे पैसे भी मिल जाए। ओए मुन्ना देख यार, गाड़ी में यार पैसे लपा लपा रहे हो। भैया लपा लपा रहे हैं, पर आप पैसों को बार बार मत देखो। ओए मुन्ना, मेरे को नोट चूमने की आदत है। और क्या होगा आपसे नूबड़े, तो आपको ही ये नहीं कि अपना काम करें। ओए मुन्ना, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। ओए अबे पैसे ले लो, वरना मैं लेके चला जाऊंगा, दिमाग खराब कर रहे हो तुम दोनों मेरा। भैया ये देखो बॉब लपाला पैसे ला रहा है। ओए मुन्ना 120 रुपीज हो चुके हैं, जल्दी से सामने वाला गेट खोल दे। भैया आप नूबड़े हो क्या, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार आपको बताया जा रहा हूँ यार, वहाँ जब 300 होएंगे तभी हम जाएंगे। ओए मुन्ना ये तू क्या कर रहा है, तूने पैसे कहाँ वेस्ट कर दिए? भैया मैंने पैसे वेस्ट नहीं करे हैं, वो देखो मैंने अब मशीन को अपग्रेड कर दिया है, जहाँ 5 बॉटल्स डालते थे अब यहाँ पे हम 7 बॉटल्स डाल सकते हैं, यानी अब हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओए मुन्ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रनिंग भी ज्यादा हो गई। भैया कैसी बातें कर रहे हो, अगर बॉटल्स ज्यादा निकलेंगी, काम ज्यादा बनेगा, टी शर्ट ज्यादा बिकेंगी, तो यार भैया ऑफिशियली बात है पैसे भी तो ज्यादा ही बनेंगे ना। ओए मुन्ना सही कह रहा तू, लेकिन भैया क्या करूँ, आपको समझ नहीं आता, एक आप मोटे और बॉब की बुद्धि मोटी। बिल्लू मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से शांति से बात कर ले वरना काट लूंगा तेरे को मैं। क्या तू तो बस हिचकिया करता है, और मैं तेरे पिचकिया मार दूंगा। ओए मुन्ना, तू हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है?
भैया आप देखो यार 300 लेवल पे मैं इसे खोल दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी मशीन लगाने वाला हूँ। तो यार ये देखो ये मशीन तुम्हें कैसी लगी यार, कमेंट करके बताना। देखो यार हमें अपने वेस्ट को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे यूटिलाइज करना चाहिए। आप भी वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करो, और अगर इसका अगला पार्ट चाहते हो तो बताना यार। ठीक है हम इसका अगला पार्ट लाएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।